गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 11, जिसमें आज हम क्रिया जिसको इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ आपके हिंदी व्याकरण के पाठ पुस्तक से, पाठ 11 क्रिया। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। क्रिया वर्ब, क्रिया का अर्थ है कार्य करना। क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना, जो भी काम किया जाता है वह क्रिया होता है। मोर नाच रहा है, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं मोर नाच रहा है, खरगोश दौड़ रहा है, अनीता रोटी बनाएगी, लड़के खेल रहे हैं, हिरन घास चर रहा है, वर्षा हो रही है। इसमें आइए देखते हैं नीचे, उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाएं हैं, यानी कि मोर नाच रहा है, तो मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है, तो नाच रहा है जो है वो क्या है, नाच क्रिया है। खरगोश दौड़ रहा है, दौड़ रहा है क्रिया है। अनीता रोटी बनाएगी, रोटी बनाएगी क्रिया है। लड़के खेल रहे हैं, खेल रहे हैं क्रिया है। हिरन घास चर रहा है, चर रहा है क्रिया है। वर्षा हो रही है, हो रही है क्रिया है। इन शब्दों में से किसी न किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है। इन शब्दों से क्या हो रहा है कि ये पता चल रहा है कि कोई काम कोई कर रहा है या कोई काम हो रहा है। परिभाषा इसका देखिए, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए नीचे, जाना, खाना, गाना, रोना, दौड़ना, सोना, उड़ना, देखना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, नाचना आदि क्रिया शब्द हैं। ये जो शब्द यहाँ दिया हुआ है, जाना, खाना, गाना, रोना, दौड़ना, सोना, उड़ना, देखना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, नाचना आदि, ये सब क्या है, क्रिया शब्द हैं। इसके आगे देखिए, अब प्रश्न है, क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। पहला अकर्मक क्रिया, जिसको इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि जिसमें क्रिया नहीं होता है, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हिरन भागता है, नदी बहती है, बच्चा सो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि हिरन भागता है, हिरन का स्वभाव है भागना, नदी बहती है, नदी बहती है, बच्चा सो रहा है, इसमें कोई भी कर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। उपरोक्त क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। यानी कि हिरण भागता है, नदी बहती है, बच्चा सो रहा है, ये कोई क्रिया नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद नंबर दो में है सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। जिन क्रियाओं में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है इसलिए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए,
मुर्गी दाना चुग रही है। मुर्गी क्या कर रही है? दाना चुग रही है, यानी कि क्रिया इसमें कर्म हो रहा है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। रजत पतंग उड़ा रहा है, यानी कि इन क्रियाओं में कर्म हो रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। नीचे के चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में चुग रही है, यहाँ पे चुग रही है, खेल रहे हैं और उड़ा रहा है, ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ दाना, फुटबॉल और पतंग कर्म जुड़े हैं, अतः यह सकर्मक क्रियाएं हैं। इसमें कर्म कौन सा है? दाना, फुटबॉल और पतंग, ये कर्म जुड़े हैं, अतः यह सकर्मक क्रिया है। इसके बाद आइए देखते हैं, आओ क्रिया को पहचाने। इसमें क्रिया को पहचानना है। वाक्य को पढ़कर क्या लगाकर प्रश्न करें, यदि उत्तर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया होती है, उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे को बंदर केला खा रहा है, प्रश्न है बंदर क्या खा रहा है, उत्तर केला, ये सकर्मक क्रिया है। उसके बाद ख में है दादी जी कहानी सुना रही हैं, इससे भी प्रश्न बन रहा है कि दादी जी क्या सुना रही हैं, तो उत्तर है इसका कहानी, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। फिर क में देखिए खरगोश उछलता है, प्रश्न है खरगोश क्या उछलता है, उत्तर पता नहीं, इसलिए अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि खरगोश क्या उछलता है, इसलिए इसका पता नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है। सुधा नाच रही है, प्रश्न सुधा क्या नाच रही है, उत्तर पता नहीं, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। इसमें क्या नाच रही है, ऐसे प्रश्न हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई कर्म नहीं है। क्या नाच रही है, इसका पता नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अब इसके नीचे है अब तक जो सीखा। नंबर एक में है काम का करना या होना क्रिया कहलाता है, यानी कि कोई भी काम हम करते हैं या काम कोई भी होता है वह क्रिया कहलाता है। दूसरा है क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं, क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। उसके बाद नंबर तीन में है क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। इसके बाद आता है अभ्यास कार्य, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क क्रिया किसे कहते हैं, इसको लिख सकते हैं वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने का करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिन क्रियाओं में कर्म होता है, जिन क्रियाओं में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिन क्रियाओं में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये इसका उत्तर हो गया। उसके बाद ग का प्रश्न है अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, इसका उत्तर हम ऐसे लिख लेंगे। प्रश्न संख्या दो, कौन क्या कर रहा है, खाली स्थान भरिए। इसमें कुछ ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसी से हमको खाली स्थान भरना है। पहला है क, खाली स्थान बह रही है, तो गंगा और पानी इसका ऑप्शन है, तो इसमें होगा पानी बह रही है। ख है बकरी मिमिया रही है, इसमें है बछड़ा, बछड़ा नहीं मिमियाता है, इसलिए बकरी मिमिया रही है।
गौ में है शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ता है गाय नहीं। उसके बाद है घौ, खाली स्थान टेंटे कर रहा है, तो मेढक नहीं होगा तोता होगा इसका उत्तर, तोता टेंटे कर रहा है। अंगा में है खाली स्थान रंभा रही है, तो घोड़ा इसमें नहीं होगा, गाय रंभा रही है इसका उत्तर होगा। इसके बाद आइए नीचे, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक बताइए। क में है हमने नाश्ता किया, हमने नाश्ता किया ये सकर्मक क्रिया है, सही का निशान लगाइएगा। उसके बाद ख में है नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो सकर्मक क्रिया है नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। ग में है वर्षा हुई, ये अकर्मक क्रिया है वर्षा हुई। घ में है कुत्ता भौंका, ये भी अकर्मक क्रिया है। अंग में है पक्षी चहचहा रहे हैं, ये भी अकर्मक क्रिया है। उसके बाद नंबर 5 में है चित्रों में होने वाली क्रिया को नीचे वाक्य के रूप में लिखिए, तो इसको आप लोग अपने से खुद से कर लेंगे, बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पाठ 12 काल लेकर के फिर से उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आपका जो पाठ 11 है जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है उसको अवश्य ही समझेंगे, इसका प्रश्न उत्तर कर लेंगे, क्रिया को समझेंगे, और फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।